हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा था और अभी सीजन भी है इसका प्राइस देने का, इसलिए ये वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फिशेस के प्राइस के ऊपर, कि हम लोग फिशेस का प्राइस का टेक केयर जो है वो कैसे कर सकते हैं। और ये जो सीजन अभी चल रहा है, ये सीजन में मैक्सिमम आपको जो फिशेस होती है वो बर्थ देती है, इसलिए आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखे, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फिशेस का फ्राइज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो है बिग स्पेस। जितना ज्यादा बड़ा स्पेस आप फिशेस का फ्राइज को दीजिएगा, उतना ही मैक्सिमम चांसेस आपका फिशेस का फ्राइज का बचने का हो जाता है, इसलिए बिग स्पेस देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब आते हैं सेकेंड टिप के ऊपर, जो कि है एक गुड एनवायरनमेंट। ये सारी फ्राइज को प्लांटेड टैंक का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है, और स्पेशली अगर आपके पास मॉली फिशेस या फिर गप्पी फिशेस का फ्राइज है तो कोशिश कीजिए अपने फ्राइज को प्लांटेड टैंक में रखने का। और अगर आप लोगों को जानना है आप लोग कैसे कम बजट में बहुत खूबसूरत प्लांटेड एक्वेरियम बना सकते हैं, तो मेरा इस टॉपिक पे एक वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। वो वीडियो का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को आप लोग वहां से जरूर से देखिए। और अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक का प्लांट्स वगैरह मिलता है, वो सबको आप अपने टैंक में ढेर सारा लगा दीजिए, जिससे कि फ्राइज को ढेर सारा हाइडिंग प्लेस मिले। फ्राइज के पास जितना ज्यादा हाइडिंग प्लेसेस होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब आता है पानी का टेम्परेचर कितना रखना। ये जो कंटेंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और मैक्सिमम फ्राइज जो मरती है वो पानी के टेम्परेचर के वजह से ही मरती है, इसलिए पानी का जो टेम्परेचर है उसका खास ध्यान रखना। फ्राइज को जो टेम्परेचर चाहिए वो है 27 to 28 डिग्री, इसलिए पानी में हीटर लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हीटर नहीं रहने से मैक्सिमम फ्राइज जो है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से मर जाएंगे, इसलिए हीटर इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है फ्राइज को फीड करने में क्या देना है। फ्राइज को फीड करने में आप बहुत सारे ग्रीन वेजीज वगैरह दे सकते, जैसे मटर का दाना वो लोग बहुत ज्यादा शौक से खाती है, या फिर स्पिनिच वगैरह, वो सब भी फ्राइज को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो सब चीज को भी आप फ्राइज के डाइट में रखिए। उसके साथ ही साथ आप पैलेट्स का पाउडर वगैरह भी दे सकते हैं। आप ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स, ये एक पैक आता है, इसको भी अपने फिशेस को आप फीड कर सकते हैं। ये जो है ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है अपने फिशेस को कुछ भी आप फीड करने के लिए दे रहे हो वो ओवर फीड नहीं कराना। जो भी चीज आप दे रहे हैं आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में देना है। और आप अपने फ्राइज को दिन में 2 बार फीड करवा सकते हैं। फर्स्ट फीड जो होगा वो आप सुबह को करवाइए, उसके बाद मिनिमम 8 to 10 आवर्स का गैप रखिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट फीड करवाइए। और ऐसा नहीं करना है कि जब आ रहे टैंक के पास थोड़ा सा फीड कर दिए, फिर थोड़ा देर बाद फिर आ रहे हैं फिर फीड कर दिए, ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है, ऐसा तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना। अब आता है बात टैंक का लाइटिंग के ऊपर, कि लाइटिंग हम लोग अपने टैंक का कैसा रखना है। जिस भी टैंक में आप अपने फ्राइज को रख रहे हैं उस टैंक में बहुत ज्यादा हाई ब्राइट लाइट मत लगाइए। ब्राइट लाइट जितना रहेगा उतनी ही आपकी फिशेज जो रहेगी वो स्ट्रेस में रहेगी, और वो जो फिशेज है वो ऊपर आने से भी डरेगी, और उसके साथ ही साथ वो लोग देखेगी बहुत अपने आप को हाइड करके रखेगी, इसलिए अपने फ्राइज के टैंक में बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट मत प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ ही साथ आपको पानी का भी बहुत ध्यान रखना होगा कि पानी ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, इसलिए पानी को भी आपको रेगुलर साफ करते रहना। वीक में या फिर 10 डेज में 10 या 15% वाटर चेंज इनफ है। सो फ्रेंड्स, ये सब था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये सब टिप्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारा ही टिप्स जो मैं बताया हूँ सारा ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स, होप करते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। और आपका अगर कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा रिप्लाई जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे मेरे जल्द एक न्यू वीडियो में।